आपको याद हो तो बैक टू विलेज का जो फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ था, उस मौके के ऊपर सीनियर ऑफिसर्स को भिजवाया गया था हर एक पंचायत में, और वहाँ पे उनको इंस्ट्रक्शन थी कि वो एक दिन वहाँ पे रहेंगे, लोगों से बात करेंगे और देखेंगे कि यहाँ की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन सी वेलफेयर स्कीम यहाँ पे पहुँची है, कोई कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं, ऐसे काम हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, चाहे वो बिजली का है, चाहे गैस का है, चाहे पानी का है, हर एक रोड का, डिफरेंट और जो तरक्की से ताल्लुक़ रखने वाले जो प्रोग्राम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना था। बैक टू विलेज टू उसके बाद फॉलो अप किया गया उसका कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या कामों के लिए किस किस डिपार्टमेंट ने कैसे कैसे अपने अपने काम किए हैं, क्योंकि इन तमाम कामों में इस पूरे प्रोग्राम में किसी को भी ये इजाज़त नहीं थी कि वो कोई कमिटमेंट कर सके। वहाँ पर उन्होंने सिर्फ एक डाटा कलेक्शन किया गया, फिर उसके बाद ये देखा गया कि कौन कौन सी प्रायोरिटीज़ हैं, उसके बाद अब जिस वक्त हम बैक टू विलेज थ्री जो शुरू करने जा रहे हैं उससे पहले 20 दिन का एक जन अभियान होगा, लोगों की अवेयरनेस के लिए एक ये पूरी मुहिम चलाई जाएगी सब जगह पे, हर एक गांव में, ताकि लोगों से संपर्क करके डायरेक्टली फिर उनके कामों को देखने के लिए जिस वक्त बैक टू विलेज थ्री का प्रोग्राम स्टार्ट होगा, तो इस दफ़ा ऑफिसर्स को 2 रातें उस गांव में गुजारनी है, यानी 3 दिन, एक दिन वो जाएंगे वो रात और दूसरी रात भी, फिर उसके बाद थर्ड डे वो वापस आएंगे। उस तरीके से ये जो यूनिक एक्सपेरिमेंट सिर्फ जम्मू कश्मीर में किया गया है, अपनी नौइयत का सबसे पहला प्रोग्राम है पूरे हिंदुस्तान में, और इसके जो फवायद हैं और इसका जो रिजल्ट से जिस वक्त उसके बारे में रिपोर्ट्स गई, तो हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी 2 मरतबा इसका जिक्र किया अपनी तकरीरों में, एक मरतबा अपने मन की बात में उन्होंने इसका जिक्र किया, और उसके बाद उन्होंने 15 अगस्त को यौम आज़ादी के मौके के ऊपर जिस वक्त वो कौन से खिताब कर रहे थे उस वक्त भी इसका जिक्र किया। हमारे ऑनरेबल LG साहब इसमें खसूसी तौर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और ये जो थर्ड फेज है, जो थर्ड ये है बैक टू विलेज प्रोग्राम, ये गेम चेंजर होने जा रहा है, और इसके बाद आप देखेंगे कि तरक्की की रफ्तार हर एक इस पूरी यूपी के जम्मू कश्मीर के कोने कोने में कैसे पहुँचेगी।